Bill Cut. So guys, हम लोग अभी रेडी हैं जाने के लिए। मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, तो भाई क्या रिव्यू लेंगे हम लोग, किस पर्पस से जा रहे हैं वहाँ पर? भाई गाइस, हम लोग जा रहे हैं कराची, थोड़ा सा एक दो काम भी है और एक चक्कर लगाने के घर से हम लोग जा रहे हैं, कोई ऐसा ऑफिशियल कोई काम नहीं है, तो मतलब सी यू गाइस। भाई सीन कुछ यूँ है कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा था आज, तो हुआ ये कि सामने यार कुत्ते आ गए। अब सवा पाँच का टाइम था, अब यहाँ मुझे जाने में डर लगा। एग्जैक्टली मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो मुझे जाने में डर लगा। मैंने बोला कोई यार आ जाए मेरे साथ, मतलब पीछे से, मतलब कोई भी नमाज़ पढ़ने के लिए कोई नमाजी आ जाए तो ये साथ हम लोग चले जाएंगे। मैंने 5 से 10 मिनट इंतज़ार किया, तो वहाँ से एक मतलब जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था उसी के घर के, मतलब वहीं से एक अंकल निकले। अंकल ने मुझे देख के, अंकल ने एक मतलब 10 से 12 सेकंड मुझे नोट किया कि मतलब यार, मतलब मेरा भी रिएक्शन कुछ नहीं किया यार ऐसा, मतलब बिल्कुल अंधेरा था, वो ऐसा ना समझे कि चोर चक्का है। तो कहने का मतलब ये है कि यार वो मुझे देख के ना फौरन घर के अंदर चले गए। यानी कि मैं आवाज़ देने ही लगा था कि अंकल मुझे काइंडली आप थोड़ा सा आगे लेके चल लें, क्योंकि सामने डॉगी है यार, ये 2 से 3 मरतबा पीछे लग चुका है। लेकिन यार वो उसने मुझे जैसे देखा है ना, वो फौरन अंदर चला गया है। सो गाइस, अभी हम लोग बस का सफ़र कर रहे हैं, बस में बैठ गए हैं। असल में बस का मैं आपको व्यू नहीं दिखा सका क्योंकि यार हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, तो बस निकलने लगी थी। शुक्र है हम लोगों ने पकड़ लिया बस, तो खैर अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं पीछे से तो अभी हम लोगों ने पकड़ लिया बस को, अब हम लोग सफ़र कर रहे हैं।